अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज ये हमारे पास रिसीवर आया जी, फोटक स्टार। ये देखें जी, ये देखें, पहले भी इसमें जो है मैकेनिकी की गई है, लेकिन ये रिसीवर रिपेयर नहीं हुआ है। ठीक है जी, ये देखें, इसमें मैकेनिकी की हुई है। तो आज हम इसको आज हम जो है रिपेयर करेंगे, देखेंगे इसमें क्या मसला है। तो सबसे पहले जो है, इसके पहले जो काम होता है वो इस सप्लाई के वोल्ट चेक करने होते हैं। ठीक है जी, तो फिर भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। क्योंकि रिपेयरिंग का असूल यही होता है कि सबसे पहले आपने जो है वोल्ट चेक करने होते हैं। ये देखें जी, 5 वोल्ट जो होते हैं रिसीवर को ऑन करने के लिए होते हैं। ठीक है जी, आगे ग्राउंड है और आगे 12 वोल्ट है। ठीक है जी, ये जो है 12 वोल्ट होता है, ये इसके जो है सिग्नल होते हैं, डिश के सिग्नल के लिए होते हैं जी। ठीक है जी, तो वोल्ट सप्लाई के जो हैं बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। ठीक है जी, देखें जी, तो हमारी जो है रिसीवर की सप्लाई तो है ठीक है। ठीक है जी, अब आगे आते हैं, इस जो है बोर्ड को चेक करते हैं जी। एक मैं जो है ग्राउंड जो है मैं बॉडी के साथ दे देता हूँ। ठीक है जी, तो आगे हम चेक करते हैं जी। सबसे पहले हमने ये जो है रेगुलेटर, इसके वोल्ट चेक करेंगे। ठीक है, ये देखें 1.8 वोल्ट, ये रेगुलेटर ठीक काम कर रहा है। आगे आते हैं जी, ये देखें, ये रेगुलेटर 1.3 है और ये भी रेगुलेटर काम कर रहा है। ठीक है जी, अब आते हैं आगे ये इस ट्रांसिस्टर की तरफ। अब इसके वोल्ट चेक करते हैं। ये देखें, ये 3.3 वाला ट्रांसिस्टर होता है, ये भी काम कर रहा है। ठीक है जी, अब आगे आते हैं जी, यहाँ पर हमें 3.3 चाहिए और ये देखें, यहाँ पर 3.3 नहीं आ रहा। ठीक है, तो इशू ये है कि यहाँ पर हमें 3.3 नहीं आ रहा, जो रिसीवर शायद इसलिए ऑन नहीं हो रहा। तो इस फ्लैश को अब उतार के देखेंगे कि ये नीचे प्रिंट तो नहीं ख़राब हुआ या कोई और इशू तो नहीं है। और एक और चीज़ देखें, ये देखें, यहाँ पर शार्ट हुआ हुआ है, ये इस शार्ट को भी काबी के ज़रिए हम ठीक करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये फ्लैश है इसी तो पहले उतार लेते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे इसके नीचे वाले जो जम्पर होते हैं, कनेक्शन होते हैं, वो देखेंगे कि ये मैंने दोस्तों आईसी उतार लिया है। ठीक है दोस्तों, मैंने आईसी उतार दिया, ये देखें, और ये देखें नीचे पॉइंट, ये देखें दोस्तों, ये देखें पॉइंट जो हैं इनकी हालत क्या हुई है। ठीक है जी, तो काफ़ी इसकी खासा हालत है, तो कोशिश करेंगे कि रिसीवर को ऑन करने की। तो सबसे पहले हम ये पॉइंट जो हैं इनको साफ़ कर लेते हैं। ये देखें कि क्या हालत हुई, बिल्कुल ही ये पॉइंट जो है काफ़ी हालत इनकी पॉइंट की जो है ख़राब है। और ये भी यहाँ से भी शार्ट है, ये देखें, ये वाली रेजिस्टेंस, इसको भी ठीक कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें जी, नीचे से कोई भी जो है पॉइंट ठीक नहीं है, इतनी हालत इसकी ख़राब है। तो ये देखें दोस्तों, ये वाला पॉइंट भी नहीं है यहाँ पर, और आगे वाला पॉइंट भी ठीक नहीं है। ठीक है, ये सारे पॉइंट जो है खराब हुए हैं। ये देखें, इतनी खासा हालत इसकी जो है ख़राब है। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक ब्रीक सी लाइन है यहाँ पर, तो इससे इसकी तरफ आ रही सीधी, तो मैं इसको नीचे से थोड़ा सा साफ करके इस तरह, ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा साफ़ कर दिए मैंने, कलर उतार दिए ऊपर से। तो यहाँ पर अब मैं अगर लगा कर देखूँगा, ये देखें, ये वाली पिन है, लिहाजा हमें मालूम हो गया कि इसकी ये पिन है। ये हमें पिन इसकी जो है मिल गई है इसकी। ठीक है,
तो आगे जो है इसकी पिन चेक करते हैं। ये पिन इसकी है दोस्तों, आगे वाली चेक करते हैं। दोस्तों इसे मैं जो है थोड़ा सा पेट्रोल लगा के ऊपर से साफ कर लेता हूँ। अब पॉइंट ढूंढने जो है आसानी हो जाएगी। ये देखते हैं दोस्तों, अब जो है हमें पॉइंट है जो है ट्रैक करने में आसानी हो जाएगी, कौन सा पॉइंट किस जगह पे है। ठीक है, दोस्तों ये मैंने फ्लैश आईसी किया हुआ है। ठीक है, अब मैंने ये पहले वाला आईसी है, ये वाला तो ये फ्लैश मैंने किया हुआ आईसी सॉफ्टवेयर में किया हुआ, तो ये लगाएंगे हम। कुछ शक नहीं रहेगा कि हो सकता है इसका सॉफ्टवेयर ना ख़राब हो, तो इसलिए मैं जो है वो सॉफ्टवेयर पहले कर दिया है। अब ये फ्लैश मैं लगा देता हूँ, और इधर डॉट है वो आपने सीधा लगाना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम ये जो है इसका जो है आईसी लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने आईसी लगाया। अब आईसी के जो है इन पिनों को एक दफ़ा कली लगा देते हैं। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, मैंने दोबारा एक दफ़ा कली लगा दी है ताकि कोई कनेक्शन जो है लूज ना हो। तो हमारा ये वाली जो पिन है, ये वाली जो पिन है ये रहती है, तो इसकी यहाँ से हमने तार लगानी है। एक तार लगाएंगे, ये देखें दोस्तों, एक तार का मेरे पास टुकड़ा है छोटा सा, तो ये जो है तार का टुकड़ा हम जो हमारा एक पॉइंट रहता है, ठीक है, वहाँ पर लगा देते हैं। ये देखें दोस्तों, मैंने जो है तार का टुकड़ा लगा दिया, ये जो है दूसरा पॉइंट, इसको इस पॉइंट से अटैच करना है। ठीक है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से अटैच करना है। ठीक है, बाकी जो है हमारे पॉइंट तकरीबन ठीक थे, वो हमने नीचे से कनेक्शन कर दिए। तो अब एक दफ़ा इसको साफ कर लेते हैं। ये देखें दोस्तों, हमारा जो है ये आईसी इंस्टॉल हो गया है तकरीबन ठीक तरह से। तो अब जो है एक दफ़े से करंटर दे के चेक करते हैं, ये रिसीवर ऑन होता है या नहीं। ये करंटर वाली केबल लगा देता हूँ मैं, ये उतार दी थी, अब इसको जो है टेस्ट करते हैं।
दोस्तों मैंने जो है रिसीवर को करंट दे दी है, ठीक है। तो ये देखें अभी तक जो है रिसीवर हमारा ऑन नहीं हुआ है, तो एक दफ़ा जो है मीटर से हम फिर दोबारा इसको जो है वोल्ट चेक करेंगे, ठीक है जी। एक जो है मैं बाल्टी से आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 3/3 चाहिए, और ये देखें पहले यहाँ पर 3/3 नहीं आ रहा था, अब जो है 3/3 हमारा आ गया है, ठीक है। तो ये तो हमारा काम हो गया, ठीक है। ये देखें यहाँ पर 3/3 है, और यहाँ पर भी 3/3 है, और यहाँ पर 3/3 है, और ये हमारा जो है ग्राउंड का है, ठीक है। दोस्तों हमारा रिसीवर जो है ऑन हो चुका है, तो इस रिसीवर ने काफ़ी मेहनत ली है, ठीक है। तो इस बोर्ड को जो है ये रैम को भी हीट दी है, और सीपीयू आईसी को भी हीट दी है, मेन आईसी को, ठीक है। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ये पूरे बोर्ड को मैंने थोड़ी सी जो है क्लोज़र लगा के इसको भी हीट दिया है, ठीक है। तो इसको काफ़ी इसमें जंग लगी थी, तो ये भी मसला था। और यहाँ से जो है दोस्तों ये देखें, यहाँ से हमने जो है शॉर्ट कट करके तार लगाई थी, ये देखें जी ये वाली, ठीक है। नीचे से पॉइंट काफ़ी ख़राब थे, तो हमने वो क्लियर किए हैं, तो ठीक है जी। ये देखें मैंने रिसीवर बोर्ड को रिसीवर से बाहर निकाल लिया था, तो ये देखें अब जो है हमारा रिसीवर ऑन है, ठीक है। ये देखें दोस्तों हमारा जो रिसीवर ऑन हो चुका है, ये देखें चैनल भी चेंज है जो है कर रहा है, ठीक है।